हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइस, नया टॉपिक लेकर आए आप लोग के लिए मैं, एंटीडोट यानी कि जहर का इलाज। कौन सा जो जहर लेते हैं, कोई भी व्यक्ति हुआ, किसी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो गई, उस टॉक्सिसिटी के अगेंस्ट में आप कौन सा एंटीडोट दे सकते हो। और जहर जरूरी नहीं होता है कि खाया ही जाए, मेडिसिन से भी जहर बन सकता है। सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। स्टार्ट करते गाइस, सबसे पहले आप थोड़ा सा एंटीडोट के बारे में समझ लो। देखो, एंटीडोइट क्या होता है? एंटीडोइट इज़ अ केमिकल दैट स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ पॉइजन। ठीक है, एंटीडोइट क्या होते हैं? एंटीडोइट वह केमिकल होते हैं जो कि जहर की क्रिया को रोक देते हैं। यानी कि जो आपका जो पॉइजन होता है, जो पॉइजन एक्टिविटी करता है, उस पॉइजन की एक्टिविटी को रोकने का काम किसका होता है? पॉइजन की एक्टिविटी रोकने का काम होता है एंटीडोइट का। ठीक है, देखो आगे। एंटीडोइट एंटीडोइट जो होता है, एंटीडोइट इज़ डेवलप्ड ऑन टाइप ऑफ पॉइजन। एंटीडोइट जो होता है डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिपेंड करता है अलग अलग प्रकार के जहर, अलग अलग जो पॉइजन होते हैं उनकी प्रक्रिया कृति, मतलब उन पर डिपेंड करते हैं कि वो कौन सा जहर हम लोग बना है बॉडी में हमारी में, और उसके अगेंस्ट में कौन सा एंटीडोइट देना है। टॉक्सिकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ पॉइजन, यानी कि जहर के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, टॉक्सिकोलॉजी स्टडी ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, तो याद रखना, बेसिक सी चीज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। अब देखो, आप जो जहर को हो, बेसिकली आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो? पहली चीज होती है रिमूव अनएब्जॉर्ब पॉइजन, यानी कि जो पॉइजन रक्त में नहीं मिला है उसे शरीर से निकालना। ठीक है, मान लीजिए कोई बॉडी में या तो किसी ने पॉइजन खाया है, या फिर कोई पॉइजन खाया है, या फिर उसकी बॉडी में किसी कारण से पॉइजन बना है, मेडिसिन से पॉइजन बना है, टैबलेट से पॉइजन बना है, तो उस पॉइजन जो पॉइजन बना है यदि वो आपके ब्लड तक एब्जॉर्ब नहीं हुआ है तो उसको पेट से निकालना। अब कैसे निकालोगे? वोमिटिंग वगैरह करवा दो और उसके पेट में आप उसको सक्शन करके निकाल सकते हो, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, ट्रीट एब्जॉर्ब पॉइजन। अब मान लीजिए जो पॉइजन रक्त में चला गया है उसको ट्रीटमेंट करना, कैसे करोगे? उसका तो एंटीडोइट ही देना पड़ेगा। यदि ब्लड में चला गया तो उसके एंटीडोइट दिया जाता है अगेंस्ट में। ठीक है, इसके अलावा एमेटिक ऑल्सो इंड्यूस, एमेटिक मतलब वोमिटिंग, उल्टिया को लाना, उल्टिया करवाना उससे। ठीक है, मरीज को गिव द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अब लक्षण, अब देखो क्या पॉइजन खाया है और उसको क्या लक्षण दिख रहे हैं, वो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ पॉइजन ऐसे होते हैं जो कि अलग सिम्टम दिखाते, कुछ पॉइजन अलग सिम्टम दिखाते, तो डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है पूर्ण रूप से कि मरीज ने कौन सा जहर खाया है, उस जहर के हिसाब से ही उसको जो होता है सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एंटीडोइट के ऊपर बढ़ता हूँ आगे। अब देखो, टाइप ऑफ एंटीडोइट, सबसे पहला आता है पैरासीटामोल ओवरलोड पॉइजन। क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, देखो नॉर्मली भी जो पैरासीटामोल है, कभी वो टॉक्सिसिटी कर गई बॉडी में, टॉक्सिसिटी कर गई यदि वो पॉइजन बन गया। ठीक है, नॉर्मली इसको बीडी लेते, यदि किसी व्यक्ति ने 10 12 25 30 गोलियां एक साथ में खा ली तो क्या होगा, पैरासीटामोल के अगेंस्ट में हमको पैरासीटामोल का इफेक्ट कम करने के लिए है ना, जो कि ये इस प्रकार की जो पॉइजन बनता है, पैरासीटामोल अगर 25-30 खा ली किसी ने तो पॉइजन बनेगा, उसे बोलते हैं एसिटामिनोफेन पॉइजन। ठीक है, कौन सा पॉइजन बोलते हैं? एसिटामिनोफेन पॉइजन। एसिटामिनोफेन के अगेंस्ट में जो एंटीडोइड दिया जाता है वो होता है एंटीडोइड एसिटाइल सिस्टीन। ठीक है, एसिटाइल सिस्टीन, ये डायग्राम में देखो, ये वाला एंटीडोइड होता है एसिटाइल सिस्टीन। ठीक है, आरएक्स डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड है, विदाउट डॉक्टर किसी को भी नहीं यूज करना है ऐसी चीजों को। ठीक है, 1 मिनट ब्रेक हो गया। ठीक है, एसिटाइल सिस्टीन होता है, ये किसके अगेंस्ट में दे रहे हैं हम लोग? पैरासीटामोल के। यदि किसी व्यक्ति ने 10 12 25 30 पैरासीटामोल गोली खा ली मरने के चक्कर में, तो उसको हम लोग उसके अगेंस्ट में जो एंटीडोट देते हैं वो होती है एसिटाइल सिस्टीन। ये नॉर्मली भी देखो, अगर कोई पेशेंट ओवर ड्रग ओवरलोड हो गया है ना, ओवरलोड ऑफ पॉइजन, यदि इसका जो ड्रग ज़्यादा हो गया और पॉइजन बन रहा है, तब हम उसके अगेंस्ट में एसिटाइल सिस्टीन दे सकते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। याद रखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरासीटामोल का एंटीडोइट होता है एसिटाइल सिस्टीन, यानी कि पैरासीटामोल ज़्यादा खा ली, ज़्यादा ओवरलोड हो गया, तब हम एसिटाइल सिस्टीन उसको दे सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग।
नेक्स्ट आता हमारा क्यूमाडीन, क्यूमाडीन ओवरलोड पॉइजन। अब ये क्यूमाडीन क्या होती है, क्यूमाडीन का अगर ओवरलोड पॉइजन होगा तो क्या होगा, देखो क्यूमाडीन रक्त को पतला करने वाली दवाई होती है। क्या ये क्या होता है, क्यूमाडीन जो होती है ब्लड को थिन करती है, ठीक है, कार्डियक पेशेंट में दी जाती है, ठीक है, ये हमारे ब्लड को पतला करती है क्यूमाडीन 5 mg टेबलेट। यदि क्यूमाडीन टेबलेट को, क्यूमाडीन मेडिसिन को ज़्यादा खा लिया, इसका ओवरलोड हो गया, इसका अगर पॉइजन हो गया, तो इसके अगेंस्ट में जो हम एंटीडोट दिया जाता है वो होता है विटामिन के का इंजेक्शन। आप बोलोगे सर विटामिन के क्या करेगा, देखो भैया सिंपल बात समझो, मैंने बोला क्यूमाडीन क्या करती है, ये हमारे रक्त को पतला करती है, और अगर ज़्यादा रक्त पतला हो जाएगा, ज़्यादा ब्लड पतला हो जाएगा, तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमना बंद हो जाएगा, समझ में आ रहा है आपको, ब्लड नहीं क्लोट होगा, और अगर किसी को थोड़ा सा चोट लगा तो ब्लड बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। तो उसके अगेंस्ट में विटामिन के देते। आप बोलोगे विटामिन के क्या करेगा, जो विटामिन के है ये विटामिन के क्या करेगा, ब्लड की क्लोटिंग करवाने में मदद करता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा ओवरलोड होने पर, जो क्यूमाडीन का ओवरलोड होने पर विटामिन के एंटीडोइड दिया जाता है। स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ता हूँ। अब आता है हमारा साइनाइड ओवरलोड। साइनाइड क्या होता है भैया, सेप्टन साइनाइड जो गोल्ड साइनाइड पॉइजन होता ही है, ठीक है, बहुत खतरनाक जहर है इसका, अगर आप 1 ग्राम भी ले लो तो दो एक सेकंड में आपकी फाइल निपट जाएगी इसमें, ठीक है। साइनाइड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जहर होता है, ठीक है। साइनाइड यदि ओवरलोड हो गया बॉडी में, किसी ने साइनाइड खा लिया, तो क्या करोगे आप, एंटीडोइट में सोडियम नाइट्रेट दिया जाता है। सोडियम नाइट्रेट किसका एंटीडोइट है, देख लो डायग्राम में, जो सोडियम नाइट्रेट है, ये सोडियम नाइट्रेट अगेंस्ट में दिया जाता है सेप्टन, मतलब जो पॉइजन होता है साइनाइड पॉइजन होता है, साइनाइड पाउडर यदि इसको खा लिया जाए, तो यदि इसको कोई इनहेल कर ले बॉडी में, तो इसके अगेंस्ट में सोडियम साइनाइड का जो एंटीडोइट दिया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट हमारा आता है बेंजोडाइजापिन ओवरलोड पॉइजन। अब ये बेंजोडाइजापिन क्या है भैया, बेंजोडाइजापिन एक ड्रग नाम, ड्रग का नाम है बेंजोडाइजापिन। बेंजोडाइजापिन के नाम से बहुत सारी गोलियां मार्केट में मिलती हैं, ये होती है एनजाइटी और नींद की गोलियां होती है। आपने बहुत बार देखा हो, बहुत सारे लोग क्या करते, नींद की गोलियां खा लेते ज़्यादा, तो जब अगर बेंजोडाइजापिन ये ड्रग का नाम है, ठीक है, अगर ये इसके नाम से बहुत सारी गोलियां बिकती है मार्केट में, यदि बेंजोडाइजापिन का ओवरलोड हो गया, यदि किसी व्यक्ति ने ज़्यादा खा लिया, यदि पॉइजन उसकी बॉडी में बन रहा है, तो आप कौन सा एंटीडोइड दोगे उसके अगेंस्ट में, फ्लूमाजेनिल, ठीक है, फ्लूमाजेनिल अगेंस्ट में इसके दिया जाता है 0.5 mg पर 5 ml के अंदर, 0.5 mg। फ्यूम जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भेजेगा, इस विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हम लोग ये यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ओनली MBBS डॉक्टर, MD मेडिसिन डॉक्टर होता है, वही प्रिस्क्राइब कर सकता है इसको, ठीक है। फ्लूमाजेनिल होता है, ये एंटीडोइट होता है बेंजोडाइजापिन। बेंजोडाइजापिन यानी कि एनजाइटी या नींद की गोलियाँ यदि कोई ज़्यादा खा लेता है, तो उसके अगेंस्ट में बेंजोडाइजापिन एंटीडोइट इसको दिया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट आता है हमारा आयरन ओवरलोड पॉइजन। यदि किसी व्यक्ति ने आयरन ज़्यादा खा लिया है, आयरन की अगर बॉडी में ज़्यादा अधिकता हो गई है और आयरन का ओवरलोड हो गया, यानी कि जो आयरन है वो पॉइजन बनने लगा है, ठीक है, आयरन का ज़्यादा हो जाने पर जहर बन जाता है, बनने लगता है, ठीक है, वो पॉइजन के अगेंस्ट में जो एंटीडोट दिया जाता है, याद रखना गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफ्रोक्सामाइन, ठीक है, डिफ्रोक्सामाइन जो होता है एंटीडोट होता है आयरन का। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया है, डिफ्रोक्सामाइन क्या होता है, डिफ्रोक्सामाइन एंटीडोट होता है, या फिर पूछ सकते हैं कि जब आयरन ओवरलोड होता है, आयरन यदि आयरन पॉइजनिंग बॉडी में होती है, आयरन की पॉइजनिंग, उसके अगेंस्ट में डिफ्रोक्सामाइन एंटीडोट को दिया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डिफ्रोक्सामाइन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लेना इसको। आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट आता है हमारा पेनिसिलिन ओवरलोड पॉइजन। अब सबको पता है पेनिसिलिन क्या होता है भैया, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होती है, ये टेबलेट फॉर्म में भी आती है, इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है, और पेनिसिलिन के क्लिंडामाइसिन बहुत सारे कंटेन होते हैं, ठीक है, अलग अलग नाम से मार्केट में मिलते हैं। पेनिसिलिन के अगेंस्ट में जो होता है, पेनिसिलिन ज़्यादा हो जाने पर या जहर बनने पर जो एंटीडोट दिया जाता है वो होता है एपिनेफ्रिन। एड्रेनलिन का इंजेक्शन आता है, एपिनेफ्रिन इंजेक्शन USP
1 mg पर ml इसमें होता है। ये डॉक्टर के अकॉर्डिंग और पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही मरीज को दिया जाता है। एपिनेफ्रिन की इंजेक्शन, एपिनेफ्रिन जो होता है एंटीडोट है किसका, पेनिसिलिन का। याद रखना, पेनिसिलिन यदि किसी ने ज़्यादा खा लिया या उसका ओवरलोड हो गया या बॉडी में उस यदि बॉडी में उसका पॉइजन होने लगा तब हम लोग एपिनेफ्रिन दे सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। इंपॉर्टेंट है गाइज, याद रखना पेनिसिलिन, ये बहुत बार देखने को मिल सकता है आपको। इसके बाद आता है मॉर्फिन सल्फेट। यदि मॉर्फिन सल्फेट का पॉइजन, मॉर्फिन सल्फेट यदि बॉडी में ज़्यादा हो रहा है तो यदि वो मॉर्फिन सल्फेट क्या होता है, यह दर्द निवारक दवा होती है, ठीक है, वेरमोर के नाम से मिलती है मॉर्फिन सल्फेट। ये दर्द निवारक दवा होती है, माइग्रेन और हेडेक में ज़्यादातर यूज़ की जाती है ये दवा। और ये जो दवा है इसके अगेंस्ट में जो एंटीडोट दिया जाता है वो होती है नैलेक्सोन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। नैलेक्सोन हाइड्रोक्लोराइड जो होता है एंटीडोट होता है यदि कोई इस प्रकार की ड्रग को, यदि मॉर्फिन, इसके नाम से मॉर्फिन सल्फेट के नाम से बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में मिलती है, ठीक है। मैंने तो आपको ड्रग नेम बताया है कि इस ड्रग के नेम मॉर्फिन सल्फेट है, इसके नाम से बहुत सारे मार्केट में दवाइयाँ अवेलेबल होती है। इसके अगेंस्ट में नैलेक्सोन हाइड्रोक्लोराइड दिया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, एक होता है विंक्रिस्टिन ओवरलोड पॉइजन। विंक्रिस्टिन ज़्यादा हो जाने पर, अभी विंक्रिस्टिन क्या होती है, यह दवाई कैंसर के इलाज में इस्तेमाल, विंक्रिस्टिन एक ड्रग है गाइस जो कीमोथेरेपी में जो यूज़ करते हैं हम लोग, कीमोथेरेपी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ड्रग को कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं किसी के साथ में, ये जो विंक्रिस्टिन होती है यदि यह पॉइजन करने लगी, इसका ओवरलोड हो गया, इसका कोई साइड आपको अंदर बॉडी में जाके इसका पॉइजनिंग बन रहा है तो इसके अगेंस्ट में जो एंटीडोट दिया जाता है हाइल्यूरिनिडेज, ठीक है। हाइल्यूरिनिडेज इसका जो एंटीडोट होता है इसके अगेंस्ट में, विंक्रिस्टिन के अगेंस्ट में हाइल्यूरिनिडेज दिया जाता है, ठीक है। वो गाइस इसके जो पॉइजनिंग है ज़्यादा देखने को मिली है इसके अगेंस्ट में, इसलिए एंटीडोट का फॉर्मेशन हुआ। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब आता है कैफीन ओवरलोड पॉइजन। अब ये कैफीन क्या होता है, चाय में कैफीन होता है, कॉफ़ी में कैफीन होता है। यदि किसी की बॉडी में कैफीन इतना पी लिया कि कैफीन बहुत ज़्यादा हो गया, और कैफीन का यदि ओवरलोड हो गया तो कैफीन के ओवरलोड में जो एंटीडोट दिया जाता है इसामोलोल जो होता है, स्मोलोल जो होता है इसके अगेंस्ट में कैफीन का एंटीडोट होता है। याद रखना गाइस, कॉमनली यूज आपको देखने को मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कैफीन, कैफीन कॉफ़ी में भी होता है, चॉकलेट्स में, बहुत सारी चीज़ों में कैफीन मिलता है, और कैफीन मेडिसिन में भी होता है, ठीक है। दवाइयों में भी कैफीन होता है, हेडेक की मेडिसिन में मेनली कैफीन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंटीडोट रहता है इसामोलोल, ठीक है। इसामोलोल जो होता है इंपॉर्टेंट है कैफीन ओवरलोड पॉइजन होने पर। स्क्रीनशॉट ले लो। अब आता है गाइस बीटा ब्लॉकर ओवरलोड। अब ये बीटा ब्लॉकर क्या होती है, बीटा ब्लॉकर अगर ज़्यादा हो गया, बीटा ब्लॉकर क्या होती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने वाली पॉइजन, देखो दवाइयाँ का पॉइजन, ठीक है। यदि जो बीटा ब्लॉकर और भी चीज़ों में यूज होती है, जो बीटा ब्लॉकर मेडिसिन होती है ना वो बीपी में भी यूज़ करते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए मरीजों में देते हैं। ये बीटा ब्लॉकर क्या होती है, ये मेडिसिन जो होती है बीपा आपको जो बीपी वगैरह के पेशेंट में देखो, अगर इसका पॉइजन बन रहा है, यदि बहुत ज़्यादा ओवरलोड इसको ले लिया है तब इसके अगेंस्ट में जो एंटीडोट दिया जाता है ग्लूकागोन, ठीक है। ग्लूकागोन का ये डायग्राम देख लो, ये रियल इमेज है। ग्लूकागोन का इंजेक्शन दिया जाता है किसके अगेंस्ट में, देते हैं बीटा ब्लॉकर मेडिसिन का पॉइजन। अबे बीटा ब्लॉकर के नाम से बहुत सारी मेडिसिन, एलोल करके नाम से मार्केट में आती है, बहुत सारी मेडिसिन होती है गाइस, ज़रूरी नहीं है कि बीटा ब्लॉकर के, बहुत सारी मेडिसिन होती है, ठीक है। उसके अगेंस्ट में ग्लूकागोन दिया जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब आता है गाइस नेक्स्ट आपका हेपेरिन ओवरलोड पॉइजन। हेपेरिन क्या होता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है गाइस, हेपेरिन सल्फेट, ठीक है। यदि हेपेरिन का जो है अगर ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है बॉडी में तो आपको उसका अगेंस्ट में क्या दे सकते हो, प्रोमेथामिन सल्फेट, ठीक है। प्रोमेथामाइन सल्फेट जो दे सकते हो ये ठीक है, प्रोमेथामाइन सल्फेट ये एंटीडोट होता है हिपेरिन का। हिपेरिन यदि ओवरलोड हो रहा है, हिपेरिन का यदि पॉइजनिंग हो रहा है तब हम लोग प्रोमेथामाइन दे सकते हैं, प्रोटामेथामाइन, सॉरी ये प्रोटामेथामाइन है, प्रोटामेथामाइन इसके अगेंस्ट में दे सकते। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो आता है इम्पोर्टेंट, आइसोनाइज्ड ओवरलोड।
आइसोनाइस क्या होती है? आइसोनाइस जो होती है या ये टेबलेट होती है, मेडिसिन होती है जो कि ट्यूबरक्लोसिस में देते हैं। ये दवाइयाँ टीबी के मरीजों को दी जाती है। आइसोनाइस जो टेबलेट होती है ना, ये ट्यूबरक्लोसिस के मरीजों को दी जाती है। आइसोनाइस टेबलेट जो होती है ट्यूबरक्लोसिस के मरीज को देते हैं, और इसकी जो ड्रग कंपोजिशन होता है, कितना देना है, वो कम्प्लीटली डॉक्टर पर डिपेंड करता है। अब इसका ओवरलोड यदि पॉइजन हो रहा है तो विटामिन B6 का इंजेक्शन, यानी कि विटामिन B6 का पाइरिडॉक्सिन, विटामिन B6 जो होता है इसके अगेंस्ट में एंटीडोइड का काम करता है। तो B6 का एंटीडोइड दिया जाता है B6 इंजेक्शन का, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आता है हमारा एंटीडोइड में वालफेरिन। वालफेरिन ओवरलोड यदि हो रहा है, यानी कि वॉलफेरिन ओवरलोड होने पर क्या होता है, यह दवाइयाँ ब्लड क्लोट से बचाती है। वॉलफेरिन जो होती है ब्लड क्लोट से बचाती है, प्रिवेंट करती है। वॉलफेरिन अगर इसका ओवरलोड हो रहा है तो इसके अगेन में विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं। सबको पता है ये विटामिन के का इंजेक्शन क्लोटिंग वाली में मदद करता है। स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज यू आर इंडियन मेडिकल लेक्चर। जब तक यदि आपको वीडियो समझ में आई हो, एंटीडोट इसके और भी बहुत सारे बचे हुए एक और वीडियो में मैं इसको कवर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग यू आर इंडियन मेडिकल लेक्चर।